हरिओम। तो हम आपको लेथ के बारे में बता रहे थे कि लेथ में बाएं साइड में हेड स्टॉक होता है और दाहिने साइड में टेल स्टॉक होता है। तो हेड स्टॉक में हम लोग जॉब को होल्ड करते हैं और टेल स्टॉक जो होता है जॉब को सपोर्ट के लिए होता है। हेड स्टॉक जो होता है वो फिक्स होता है, लेकिन टेल स्टॉक को पुली के हेल्प से हम लोग बाएं या दाएं उसको हम लोग घुमा सकते हैं। तो ये हेड स्टॉक, अब हम लोग हेड स्टॉक के बारे में देखेंगे। ये हेड स्टॉक का फिगर है, इसमें स्पीड चेंज सिलेक्टर, ये जो है हेड स्टॉक का स्पीड अपने अनुसार स्पीड को सेट करने के लिए होता है। लेथ स्पिंडल, ये जो लेथ स्पिंडल है इसी में हम लोग जॉब को होल्ड करते हैं। फीट ड्राइव, ये हमारा फीट देने के लिए कितना हमको फीट देना है उसके लिए होता है। क्लच, क्लच भी स्पीड से होता है कितना हमको स्पीड देना है। तो जो लेथ स्पिंडल होता है इसी में हम लोग जॉब को हम लोग होल्ड करते हैं। और ये लेथ स्पिंडल जो होता है उसको जॉब को घुमाता है और उस पर हम लोग अपना ऑपरेशन करते हैं। हेड स्टॉक जो होता है, हेड स्टॉक में मेन मोटर रहता है। तो मेन मोटर क्या होता है कि जिसमें हम लोग जॉब को होल्ड कर देते हैं हेड स्टॉक में, तो मेन मोटर के माध्यम से जॉब को घुमाता है और जो जॉब को है होल्ड करता है उसको पकड़े रहता है ताकि हमारे हेड स्टॉक घूमते भी रहे तो हमारे जॉब बाहर न निकले। इसके लिए भी हम लोग हेड स्टॉक का ये भी कार्य है कि वो जॉब को पकड़े रहता है। हेड स्टॉक मुख्यतः दो प्रकार का होता है, कौन पुली हेड स्टॉक और पूर्ण गियर चालन हेड स्टॉक। तो दो तरह का हेड स्टॉक का हम लोग प्रयोग करते हैं। लेथ स्पिंडल जो होता है उसी के अंदर चक लगा रहता है जो कि जॉब को होल्ड करता है। जॉब को हम लोग उसी के अंदर रख कर स्पैनर से उसको हम लोग होल्ड करते हैं, उसको टाइट करते हैं ताकि वो बाहर नहीं निकले। तो आगे के चित्र में हम लोग देखेंगे कि थ्री जा चक के बारे में, कि थ्री जा चक है। तो ये थ्री जा जो चक होता है ये तीन बराबर बराबर एंगल पे फिट किया रहता है और इसमें हम लोग जॉब को होल्ड करते हैं। जॉब को इसमें होल्ड करने के बाद चक की रहता है, चक की के माध्यम से उसको हम लोग अच्छी तरह से कस कर देते हैं। इसमें स्क्रॉल प्लेट, इसमें बेबल गियर का प्रयोग किया जाता है। इसमें बेबल पिनियन होता है और आगे वाले भाग को जिसमें हम लोग जो हमको सामने से दिखाई पड़ता है उसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। और ये तीन इसमें जबड़ा होता है जो जॉब को हमको हमारे जॉब को होल्ड किए रहता है। चक का दूसरा प्रकार है फोर जा चक। तो थ्री जा चक में हमने देखा कि उसमें तीन रहता है पकड़ने के लिए, जबड़ा होता है वो तीन होता है, लेकिन फोर जा चक में ये जबड़ा चार होता है। तो इसमें फ़ायदा ये रहता है कि फोर जा चक में किसी भी शेप को हम लोग इसमें होल्ड कर सकते हैं, जबकि थ्री जा चक में सिर्फ हम लोग सर्कुलर जो रहता है जॉब उसी को हम लोग, या जो लंबा रहता है उसी जॉब को हम लोग होल्ड कर सकते हैं। लेकिन फोर जा चक में किसी भी नियमित आकार का भी जॉब रहे तो उसको हम लोग इसमें होल्ड कर सकते हैं। हरिओम। तो अब हम लोग टू जा चक के बारे में देखेंगे कि टू जा चक क्या होता है। तो टू जा जो चक होता है वो छोटे स्मॉल साइज के जो जॉब होते हैं उनको होल्ड करने के लिए होता है। इसका प्रयोग विशेष प्रकार के जॉब को भी पकड़ने के लिए किया जाता है। जिस जॉब को हम लोग थ्री जा या फोर जा चक से हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं तो टू जा से उसको हम लोग पकड़ कर अपने कार्य को कर। संयुक्त चक में
थ्री जा और फोर जा जो चक होता है दोनों का मिक्स रहता है, तो इसमें चार जबड़ा होता है जो स्वतंत्र रूप से एक साथ या अलग अलग भी चलाया जा सकता है। इस प्रकार के जॉब चक्र जो होता है, इस प्रकार के चक्र में जॉब का जो पकड़ होता है वो मजबूत होता है। इसके द्वारा हम लोग अनियमित जॉबों को आसानी से पकड़ सकते हैं। इसकी सहायता से जॉब को आसानी से संकेंद्रित एक सेंटर में किया जा सकता है। अब ये है कॉलेट चक। कॉलेट चक का प्रयोग सेमी ऑटोमेटिक तथा ऑटोमेटिक मशीनों पर लंबे बेलनाकार लट्ठों को पकड़ने के लिए, इनके द्वारा वृत्ताकार काट के अतिरिक्त वर्गाकार और खटभुजाकार काट के जॉब को भी पकड़े जा सकते हैं। तो इसमें क्या हम लोग करते हैं कि लंबे बेलनाकार का जो जॉब होता है उस जॉब को होल्ड करने के लिए हम लोग कॉलेट चक का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें वर्गाकार जॉब या जिसका छः भुजा वाला जो आकार होता है, खट भुजाकार काट का जो जॉब होता है, उस तरह के जॉब को भी हम लोग पकड़ने के लिए कॉलेट चक का प्रयोग करते हैं हम लोग। कॉलेट चक जो होता है मुख्यतः एलवाई स्टील का बनाया जाता है, एलवाई स्टील का बनाया जाता है तथा इनके बॉडी को स्लिट किया गया होता है। इसके बाद इसको हम लोग हार्ड और टेम्पर करते हैं, इसका जो इसको और हार्ड और टेम्पर और मजबूती के लिए हार्ड और इसको टेम्पर किया जाता है। इसका मुंह थोड़ा सा खुल जाता है और ढीला पड़ जाता है। कॉलेट को ड्रा बार द्वारा टेपर स्लीव में किया जाता है जिससे यह जॉब को जकड़ लेता है। छोटा जो जॉब होता है उसको पकड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, छोटे जॉब को पकड़ने के लिए। कॉलेट जो चक होता है इसके द्वारा हम लोग बेलनाकार लट टाइप का जो जॉब होता है ना उसको आसानी से हम लोग पकड़ सकते हैं। तो इसको इसमें जॉब को होल्ड करने में बहुत ही कम समय लगता है, इसलिए इसमें हमारा समय की बचत होती है। और इस प्रकार के चक को जॉब के अनुरूप बनाया जाता है, जैसा जॉब रहता है उसी के अनुरूप इसको बनाया जाता है।